Brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. दिल्ली के शराब नीति में कथित घोटाले के चलते जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें हैं जो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ 23 अप्रैल तक केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ गई है तो दूसरी तरफ गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली केजरीवाल की याचिका हाईकोर्ट से खारिज होने के बाद केजरीवाल ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है जिस पर अब 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इसी बीच केजरीवाल ने एक और याचिका के साथ राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल लगातार फ्लक्चुएट हो रहा है, ये दावा उनके वकील ने किया है। इसके साथ ही उन्होंने मांग की है कि सीएम की गिरफ्तारी से पहले जिस डॉक्टर से उनकी जांच होती थी उस डॉक्टर से हफ्ते में 3 दिन वर्चुअली कंसल्ट करने की इजाजत दी जाए। बता दें कि बीते दिनों आम आदमी पार्टी से जुड़े सूत्रों ने बताया था कि केजरीवाल का शुगर लेवल बढ़ गया है। उनका फास्टिक शुगर का लेवल 160 है जो कि सामान्य तौर पर 70 से 100 के बीच होना चाहिए। उधर सीएम अरविंद केजरीवाल की शुगर लेवल की नियमित जांच की मांग करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। सीएम केजरीवाल के वकील ने कहा कि ईडी हिरासत के दौरान केजरीवाल का ब्लड शुगर लेवल 46 तक पहुंच गया था, जिसके बाद स्पेशल जज राकेश सयाल ने ईडी से जवाब मांगा। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 18 अप्रैल यानी कल होने वाली है। अगर विस्तार से इस याचिका के बारे में बताएं तो केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने कोर्ट को बताया कि उनका ब्लड शुगर लेवल कम ज्यादा हो रहा है और वो 46 तक चला गया है। ऐसी स्थिति में उन्हें हफ्ते में 3 बार अपने डॉक्टर से परामर्श लेने की अनुमति मिलनी चाहिए। वहीं ईडी की तरफ से दलील रखते हुए पब्लिक प्रोसिक्यूटर सिमोन बेंजामिन ने कहा कि जेल में भी सुविधाएं हैं जहां पर केजरीवाल अपनी जांच करवा सकते हैं। इसके बाद उन्होंने इस आवेदन पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। साथ ही सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील ने पूछा कि अगर केजरीवाल अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहते हैं तो ईडी क्यों विरोध कर रहा है। बहरहाल केजरीवाल की इस याचिका पर कल दोपहर 2 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी, जिसमें देखना होगा कि क्या केजरीवाल की याचिका को कोर्ट से मंजूरी मिलती है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट दिल्ली तक।